वेलकम टू टेक्स्टर ट्यूटोरियल बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए है। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट प्रोबेबिलिटी का 5.3 करेंगे, जिसमें हमें सिर्फ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना है और सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बच्चों, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी प्रैक्टिस सेट में 5.3 में, उसमें हमें सैंपल स्पेस लिखना है। हमें क्वेश्चन में दिया है वन डाई इज रोल्ड, यानी एक डाई रोल्ड हो रही है, ठीक है बच्चों। तो वन डाई रोल्ड हो रही है तो हमें क्या क्या सैंपल स्पेस आएंगे और उसका कितना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस रहेगा। चलो, सैंपल स्पेस कुछ और नहीं, पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके पास है। तो हमें सिर्फ पॉसिबिलिटीज लिखनी है कि हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट सर में हमें पूछा है अ डाई इज रोल्ड, एक ही डाई रोल्ड हो रहा है। तो डाई रोल्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द सैंपल स्पेस बी एस, एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। हमारे पास सिक्स पॉसिबिलिटीज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रैकेट क्लोज। और आपको बस यहां पर लिखना है नंबर ऑफ सैंपल 0, ठीक है बच्चों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए बच्चों। यही सम हमें इवेंट भी दिया है, हमें तीन इवेंट दिया है, तो हमें सारे इवेंट को रिपीट कर करके लिखना है। यानी अब आप क्या करोगे, जब आपको सैंपल मिल गया है डाई का तो आप उसका इवेंट भी लिखोगे। तो हमें तीन इवेंट दिया है, तो एक इवेंट का नाम है इवेंट ए। इवेंट ए हमें बोल रहा है इवेंट नंबर ऑन द अपर फेस, ठीक है बच्चों। यानी अपर फेस पे इवेंट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे इवेंट ए का जो रहेगा बच्चे लोग नंबर, वो हमें ए डाल के लिखना है। हमें सिर्फ सैंपल स्पेस में से इवेंट नंबर जोड़ने। तो बच्चों, इवेंट नंबर फर्स्ट क्या हो गया, 2, 4, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या आ जाएगा बच्चे लोग, 0, 3। ऐसे ही हमने इवेंट दिया है इवेंट बी। इवेंट बी में क्या है बच्चों, इवेंट बी में बाजू में लिख लेता हूं बच्चों आपके लिए, ठीक है। कौन सा नंबर चाहिए भी हमें, ऑड नंबर, ऑड नंबर लिखना बच्चों हमें। अब ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1, 3, 5। बी भी कितना हो गया बच्चों, 0, 3। अब इवेंट सी हमें दिया है, इवेंट सी में हमें क्या दिया है, प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर चुनने हैं, ये प्राइम नंबर्स बच्चों कौन से नंबर्स होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं और कोई टेबल में नहीं आते। प्राइम नंबर में क्या क्या आ जाएगा बच्चों, 2, 3, 5 ब्रैकेट क्लोज। नंबर ऑफ सी आपको क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा पूरा सम कंप्लीट हो गया। चाहिए तो आप पूरे सम का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा सेकंड सम है ये प्रैक्टिस सेट 5.3 का। सेकंड सम में हमें क्या बोला है, 2 डाइज इज रोल्ड। फर्स्ट सम में हमने 1 डाई करे थे, यहाँ पर 2 डाइज है। तो बच्चों लोग सैंपल स्पेस पर याद रखिए, जब हमारे पास पॉसिबिलिटीज 6 है और हम 1 डाई को रोल कर रहे हैं तो 6 के ऊपर 1 लिखेंगे आप तो आंसर 6 मिलेगा। 6 पॉसिबिलिटीज है, आप 2 डाइस को रोल कर रहे हो तो 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। तो याद रखिएगा, आपको 2 डाइस का जो सैंपल स्पेस आएगा वो 36 आएगा। देखिए, मैंने पहले से लिख के रखा है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 और ये मैंने कहां तक रिपीट करा है, 6, 6 तक, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये सैंपल स्पेस कैसे लिखना है पता करना है तो आप मेरा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये सब में भी हमें 3 इवेंट दिया है। पहला जो इवेंट है हमारा वो इवेंट ए है, सम ऑफ द डिजिट इज, इवेंट ए सम ऑफ द डिजिट्स आर
मल्टीपल ऑफ सिक्स, सिक्स का मल्टीपल है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारे नंबर्स को प्लस करोगे और देखोगे मल्टीपल ऑफ सिक्स है कि नहीं। मल्टीपल ऑफ सिक्स का मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, जो सिक्स के टेबल में है। सिक्स के टेबल के कुछ नंबर्स आपको मैं बता देता हूँ, सिक्स वन का, सिक्स टू का, सिक्स थ्री का, यानी प्लस करना है। प्लस करने पे हमें या तो सिक्स मिलना चाहिए या तो ट्वेल्व या तो एट। आप सब नंबर को प्लस करके देखिए, टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो टू हो जाएगा, थ्री फोर फाइव सिक्स वन कॉमा फाइव, यानी फर्स्ट लाइन में मुझे एक नंबर मिल गया जिसको प्लस करेंगे तो सिक्स मिलेगा और वो मल्टीपल ऑफ सिक्स है। सेकेंड लाइन में आप देखिए टू कॉमा फोर, थर्ड लाइन में देखिए थ्री कॉमा थ्री, फोर्थ लाइन में देखिए फोर कॉमा टू, फिफ्थ में देखिए फाइव कॉमा वन, सिक्स में देखिए सिक्स कॉमा सिक्स, ब्रैकेट क्लोज। बच्चों नंबर ऑफ ए जो हमारा आ जाएगा वो भी आ जाएगा सिक्स, ठीक है। अब ऐसे ही बच्चों हमें इवेंट बी दिया है, तो इवेंट बी मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। इवेंट बी, इवेंट बी में क्या बोला है बच्चों, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट टेन, यानी मिनिमम टेन होना चाहिए। टेन से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, पर टेन रहेगा तो भी चलेगा, यानी हमें वापस से प्लस करना है, हमें मिनिमम टेन चाहिए बच्चों, ठीक है। मिनिमम टेन या एटलीस्ट भी आप बोल सकते हैं बच्चों को, एटलीस्ट टेन। तो b इज इक्वल टू कर ली ब्रैकेट, अब हमें क्या ढूंढना है बच्चों, एटलीस्ट टेन, टेन या तो टेन से ज्यादा। सारे नंबर को प्लस करके देख लीजिए आप, सेवन आएगा यहाँ तक का, तो हमारी जो शुरुआत होगी बच्चों वो फोर्थ से स्टार्ट होगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं प्लस करता हूँ तो फोर कॉमा सिक्स, तो फोर कॉमा सिक्स, फोर प्लस सिक्स कितना होता है टेन, तो आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा। सेकेंड नहीं, ये प्लस करिए फाइव कॉमा फाइव टेन हो जाए, फाइव कॉमा सिक्स, ठीक है बच्चों। लास्ट लाइन में सिक्स कॉमा फोर, सिक्स कॉमा फाइव, सिक्स कॉमा सिक्स, नंबर ऑफ बी बच्चों कितना आ जाएगा सिक्स, ठीक है। इवेंट ए इवेंट बी, ऐसे ही बच्चों हमें इवेंट सी भी पूछा है। इवेंट सी में हमें क्या पूछा है बच्चों, इवेंट सी में के सेम डिजिट, सेम डिजिट ऑन बोथ दी डाइस, सेम डिजिट होना चाहिए। तो हमारे इवेंट सी में कैसा आ जाएगा, ठीक है मैं ये थोड़ा रफ कर देता हूं बच्चों, इवेंट सी सेम डिजिट बोला है, सेम डिजिट देखिए आप, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, है ना सेम डिजिट। तो वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, नंबर ऑफ सी भी कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो सिक्स। बच्चों आप सामने स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, हमारा थर्ड सम है एक्सरसाइज का। थर्ड सम में हमें वापस से लिखना है लेट द सैंपल स्पेस बी एस। थर्ड सम में हमें पूछा है थ्री कॉइन आर टॉस, थ्री कॉइन। तो बच्चों थ्री कॉइन के लिए आपको याद रखना है, थोड़ा कैसे याद रखेंगे आप सैंपल स्पेस को, थ्री कॉइन टॉस बोलेगा तो पहले हम तीन बार हेड लिखेंगे, दो बार हेड लिखेंगे, एक बार हेड लिखेंगे और उसके बाद हम बीच में लिखेंगे। तो इसको याद कैसा करना है, तीन बार, दो बार, एक बार, बीच में, तीन बार, दो बार, एक बार, बीच में, फिर उसका उल्टा। बच्चों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा कितना हो गया बच्चों, एट। सेम बच्चों चांस दो है और पॉइंट तीन है, तो टू का क्यूब कितना होता है एट, इसलिए सैंपल स्पेस भी हमारे एट आ गए, ठीक है बच्चों। इसमें भी हमें इवेंट पूछा है, इसमें भी इवेंट है, इवेंट ए, तो हम ए के सैंपल निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। इवेंट ए में हमें क्या पूछा है बच्चों, टू गेट एटलीस्ट टू है, टू गेट
एटलीस्ट टू हेड्स। बच्चों बोलिए एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम उतना तो चाहिए, तो यहां पर बोल रहे हैं टू गेट एटलीस्ट टू हेड, कम से कम दो चाहिए, ज्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। तो पहले इवेंट में देखिए तीन हेड है तो हमारी तो दो ही की बात हुई है, चलेगा, एटलीस्ट वर्ड यूज करा है दो तो आना ही चाहिए। यहां पर भी दो है, यहां पर दो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां है दो वापस से आपके पास हेड, यहां भी आपके पास दो हेड है। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए आपका कितना है बच्चों, फोर। ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों इवेंट बी दिए, सॉरी इवेंट बी, इवेंट बी में हमें बोला है टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, हमने हेड नहीं चाहिए बच्चों, हेड डालना ही नहीं, तो बी हेड नहीं चाहिए, ऐसा कोई इवेंट है, हाँ है, ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज 01। इवेंट सी भी है हमारे पास, इवेंट सी में हमें क्या बोला, टू गेट हेड ऑन सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में मुझे हेड चाहिए बच्चों। अब सेकेंड पॉइंट पे ध्यान दो सब पे, सेकेंड पॉइंट हेड है तो ये आ जाएगा, यहां की सेकेंड पॉइंट पे भी हेड है तो ये भी आ जाएगा, यहां की सेकेंड पॉइंट पे टेल है तो नहीं आएगा, यहां की सेकेंड पॉइंट पे हेड है तो आ जाएगा, सेकेंड पॉइंट पे टेल है, यहां भी टेल है, यहां हेड है, यहां भी टेल है तो ये नहीं आएगा। क्लोज, देयरफॉर नंबर ऑफ सी 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान सा में बच्चों बहुत ही आसानी से आपको इसमें 3 मार्क्स मिल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं 0 1 2 3 4 5, और हमें कहा गया है कि टू डिजिट नंबर फॉर्म करो, हमें इन नंबरों को यूज करके टू डिजिट फॉर्म करना है, तो बड़ा ही आसान है। हम सबसे पहले 0 को यूज करेंगे सारे नंबरों में, तो हमें जो टू डिजिट फॉर्म हो जाएगी वो 10 20 30 40 50। ठीक है बच्चों, 0 हमने सब में यूज करा, अब आप किसको यूज करोगे, 1 को सब में यूज करोगे तो क्या हो जाएगा 12 13 14 और 15। बच्चों आप देख रहे हैं कि मैं नंबर रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर को रिपीट नहीं करना है, तो रिपीटेशन अलाउड ही नहीं है, तो हम एक नंबर को दो बार नहीं लिख सकते, एक डिजिट को भी दो बार नहीं लिख सकते। ठीक है, तो 12 13 14 15, अब मैंने 1 यूज करा, अब मैं 2 यूज करूंगा, 21 23 24 25, अब मैं 3 यूज करूंगा तो 31 32 34 35, अब मैं 4 यूज करूंगा 41 42 43 45, अब मैं 5 यूज करूंगा 51 52 53 54। बच्चों अब इसके आगे नंबर फॉर्म होने वाला नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस काउंट कर लीजिए आप 1 2 3 4 5, और इन सबको प्लस करेंगे तो ये 20 है बच्चों, 20 प्लस 5 25। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी हमें इवेंट दिया है बच्चों, इसमें भी इवेंट ए, इवेंट ए द नंबर फॉर्म इज इवेंट नंबर। ठीक है बच्चों, इवेंट नंबर हमारा फॉर्म है, मैं ये हटा देता हूं बच्चों। ठीक है, हमारा जो नंबर फॉर्म हुआ है बच्चों वो इवेंट नंबर फॉर्म हुआ है। तो इवेंट नंबर्स कौन कौन से नंबर होते हैं बच्चों, इवेंट नंबर के बारे में आप सबको पता है, जिसके लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये जिनके लास्ट डिजिट ये है वो इवेंट नंबर है बच्चों। तो देख लीजिए आप 0, तो फर्स्ट लाइन में सारे में 0 है, तो 10 20 30 40 50, फिर हमें 2 भी चेक करना है तो 2 देखिए 12, फिर हमें 4 भी चेक करना है तो 12 के बाद 14 आ जाएगा बच्चों, फिर देखिए कहीं पर हाँ 4 है, फिर कहीं 2 है, फिर वापस से 34,
फिर कहीं भी 2, हाँ यहाँ भी 2 है तो 42, कहीं भी 4 नहीं है 2, 4 यस 2 है, 52 है और 54 है। ठीक है बच्चों, हमने बड़ी आसानी से इवन नंबर निकाल दिए, जिसके लास्ट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, बच्चों वो सारे नंबर इवन ही होते हैं। ठीक है, अब हमें इवेंट बी दिया है, इवेंट बी में हमें क्या पूछा है, द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल है या डिवाइडेड, हाँ डिविजिबल है बाय 3, हमें 3 से डिविजिबल वाले नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर यानी कि जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो फर्स्ट रैंक में कौन सा नंबर है 30, फिर 12, 3, 4, 12, फिर कौन सा नंबर है 15, फिर 21, फिर 24, फिर कहीं भी नहीं बच्चों, ये लाइन में 31, 32, 34, 35 आया है, इसमें कहीं भी आपके पास कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। देख लीजिए आप, 33 आना चाहिए था, 36 नहीं है। यहाँ पर देखिए आप कौन सा नंबर है 42, 6, 7 का सॉरी 45, 51, 54। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, अच्छा नंबर ऑफ ए यहाँ नहीं लिखे थे हमने, देयरफॉर नंबर ऑफ ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नंबर ऑफ ए 13 मिला है, नंबर ऑफ बी 9 मिला है, सी इवेंट भी है। इवेंट सी में बच्चों हमें बोला है, मैं याद ही लिखता हूं आपके लिए, इवेंट सी नंबर फॉर्म ग्रेटर देन 50 से बड़े होने चाहिए बच्चों, 50 से बड़े कौन कौन से नंबर है 51, 52, 53, 54। नंबर ऑफ सी 1, 2, 3, 4। ठीक है बच्चों, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों ये हमारे एक्सरसाइज का सम नंबर 5 है, ये सम में हमें सॉल्व करने के लिए बोला है कि हमें दो दो लोगों की कमेटी बनानी है, जिसमें हमें 3 मैन और 2 वुमेन दिया हुआ है, तो हमें करना क्या है, इन 3 मैन को और 2 वुमेन को यूज करके हमें अपनी कमेटी बनानी है दो दो लोगों की। तो कमेटी कैसे बनाना है मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया है, अभी भी आप देख सकते हैं कैसे बनाना है, हमें W2 को यूज करना है और W1 को यूज करना है दोनों को, और हमें जोड़ी बनानी है। तो कैसी जोड़ी बनेगी, M1 W1, देखिए मैंने इसकी जोड़ी इसके साथ बना दी, फिर M2 W1, M3 W1। ठीक है, W1 भी तीनों के साथ जोड़ी बन गई। अब सेम आप W2 की भी जोड़ी बना दो, M1 W2, M2 W2, M3 W2। ठीक है बच्चों, अब आप आपस में जोड़ी बना दीजिए, जैसे M1 M2 M2 M3 और लास्ट में आपको बनाना है M1 की M3 से, और फिर बचा है आपका W1 W2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आप जब चैम्बर ऑफ स्पेस काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया बच्चों 10। ठीक है, ये रख कर देता हूं। अब बच्चों हमें इवेंट पूछा है, इसके अंदर इवेंट में क्या पूछा है, एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, यानी हमें एक वुमेन मेंबर चाहिए हमारे सैंपल स्पेस में से। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, कम से कम एक चाहिए। हम किसी को दावत भी देते हैं, ऐसा बोलते ना आप आइएगा, बच्चों को भी लाइएगा, बच्चे नहीं आ पाए तो आप आइए, तो इसका मतलब है एटलीस्ट आप आना है। तो वैसे यहां पर भी बोला है एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर,
तो एक वुमेन तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो देख लीजिए मैंने सबको अंडरलाइन करा है, तो क्या आ जाएगा M1 W1 M2 W1 M3 W1 नेक्स्ट M1 W2 M2 W2 M3 W2 W1 W2। ठीक है बच्चों, सारे सैंपल स्पेस मैंने अंडरलाइन जो करे थे वो रब कर दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट इवेंट में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया बच्चों मैंने। नंबर ऑफ ए लिखना है हमें, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ए हमारे क्या हो गए बच्चों 7। ठीक है, अब इवेंट ए है, अब ऐसे ही हमें इवेंट बी दिया है, मैं यहां लिख देता हूं इवेंट बी आपके लिए। इवेंट बी में हमें क्या बोला है, वन मैन वन वुमेन, वन मैन वन वुमेन। ठीक है, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, वन मैन वन वुमेन कंडीशन है, वन मैन वन वुमेन ही होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। वन मैन वन वुमेन देखिए आप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहीं पर वन मैन वन वुमेन है और कहीं पर भी नहीं। तो हमारे छह के छह पूरे आ जाएंगे, एम वन डब्ल्यू वन एम वन वन मैन वन वुमेन के लिए दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो नंबर ऑफ बी कितना आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, अब सी इवेंट मुझे लिखना है, सी में क्या कहा है, इवेंट सी बोल रहा है देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, नो वुमेन मेंबर। ठीक है बच्चों, वुमेन ही बोला है ना, हाँ नो वुमेन मेंबर, वुमेन मेंबर नहीं चाहिए है, वुमेन मेंबर का नाम ही नहीं चाहिए। तो वुमेन मेंबर कहां नहीं है वो ढूंढिए, देखिए ये थर्ड लाइन में, यहां पर वुमेन मेंबर नहीं है, बाकी सब में वुमेन मेंबर है। तो हमारा ये इवेंट हो गया हमें सी वाला, M1 M2 M2 M3 M3 M1। ठीक है, नंबर ऑफ सी बच्चों कितना आ गया 0। ठीक है बच्चों, बड़ा ही आसान सा है, खाली आपने जब कमेटी बना ली है तो आपको सारे इवेंट मिल जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज का, इस ये क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियसली, यानी एक कॉइन भी है और एक डाइस भी है। यही सब हम लोग ने इससे पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज में, सेम सम को रिपीट करा है, यानी हमें सैंपल स्पेस लाना है बच्चों। एक कॉइन है और वन डाई है, ठीक है, तो आपको दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली पुट करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखिए, H1 H2 H3 H4 H5 H6, यानी हेड के साथ में जो हमारा कॉइन है, कॉइन के दो साइड होते हैं, तो मैंने हेड के साथ में डाइस के सारे नंबर लिख दिया। अब मैं टेल के साथ में भी डाइस के सारे नंबर लिख दूंगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6। बच्चों ये T का मतलब टेल हो गया और H का मतलब हेड हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बच्चों 12 आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही हमें इवेंट पूछा है, मैंने इवेंट पहले से लिख के रखा है आप लोगों के लिए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, यानी हेड होना चाहिए और साथ में उसके ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखिए आप, हेड विथ ऑड नंबर, हेड विथ ऑड नंबर, हेड विथ ऑड नंबर, यहाँ ऑड नंबर है लेकिन ये सारे टेल है, लेकिन हमें इवेंट में क्या क्या है, हेड आना चाहिए और ऑड नंबर आना चाहिए। तो क्या हमारा इवेंट हो जाएगा, H1 H3 H5, नंबर ऑफ ए बच्चों 0 3। हमारा सेकेंड इवेंट है बच्चों टू गेट अ हेड, टू गेट अ हेड और टेल, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा लेकिन साथ में एंड एन इवन नंबर, यानी हेड और टेल दोनों में से कुछ भी चलेगा लेकिन जो नंबर होना चाहिए वो सिर्फ इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लोग ढूंढते हैं ऐसा, तो पहला हेड में देखते हैं H2, क्योंकि हेड हो गया और इवन नंबर, H4 H6
सेम टेल में भी रिपीट हो जाएगा T2, T4 और T6। नंबर ऑफ बी बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, अब हमें इवेंट सी बोला है। इवेंट सी क्या कहता है हमें, नंबर ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द पंप। टेल ऑन द पंप बच्चों क्या कह रहा है हमें कि जो हमारा इवेंट सी है, नंबर जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 7 में टेल होना चाहिए। तो बच्चों आप चेक कर रहे हो हमारे इवेंट में ऐसा कोई भी एक सैंपल स्पेस में एक भी ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें नंबर 7 आया हो या 7 से बड़ा आया हो। ठीक है, तो यानी कि ये जो सेट है ये हमारा खाली है, तो इसलिए हम सी को इसी एम्प्टी रखेंगे। आप 0 लिख के ऐसा कट भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है, और नंबर ऑफ सी को 0 ही मिल जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा सम और एक्सरसाइज दोनों खत्म हो गया बच्चों। अगर आपको बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे जरूर शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट भी करिए बच्चों। कुछ डाउट रहेगा आपको कोई भी लेक्चर्स के थ्रू में तो आप मुझे जरूर कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।